गाइस तो आइए कॉमन एरर्स की बात करते हैं सूरज से। पहला सीधे एरर्स पढ़ते हैं, डज ही लाइक टू गो फॉर साइट सीइंग व्हेन ही इज इन हॉलीडे। और पहला जो है व्हेन ही इज है, दूसरा डज ही लाइक है, तीसरा इन हॉलीडे है, और चौथा टू गो फॉर साइट सीइंग इन हॉलीडे। क्या होना चाहिए वहां पे? वहां पे क्या होता? ऑन होता है, क्योंकि ऑन प्रीपोजिशनल ऑफ टाइम है। इसका प्रयोग इस तरह से होता है, ऑन दिवाली, ऑन होली, ऑन मंडे, ऑन हॉलीडे, ऑन वेकेशन एटसेट्रा, ऑन जनवरी। अरे वाह, ऑन जनवरी होता है तो दिन में तो ऐड ना, इन जनवरी होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। ऑन संडे होता है, ऑन मंडे होता है, इस तरह का। तो कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त जमा दिया। आओ नेक्स्ट को बात करते हैं, अंटिल आई वाज कट इस तरह स्लैश स्टिल ए लिटिल वीक स्लैश आई डिसाइडेड टू वॉक होम स्लैश फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन। यहां तक है तो पहला स्टिल ए लिटिल वीक, दूसरा आई डिसाइडेड टू वॉक होम, तीसरा फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन, अथवा अंटिल आई वाज। किसमें एरर है? अंटिल आई वाज। क्या होना चाहिए वहां पे? अल्दो आई वाज। क्या होना चाहिए था? अंटिल आई वाज की जगह अल्दो आई वाज। बहुत ही डिफिकल्टी सब है, ये सब ध्यान रखना होगा कि अंटिल लगेगा कि अल्दो लगेगा कि अनलेस लगेगा कि टिल लगेगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजंक्शन है। आगे बढ़ते हैं, इफ यू रेंट ए हाउस नियर योर ऑफिस इट विल सेव योर टाइम एज वेल एज ऑल्सो मनी। तो क्या होगा यहाँ पे? इफ यू रेंट ए हाउस, दूसरा एज वेल एज ऑल्सो मनी, तीसरा नियर योर हाउस, आज होता इट विल सेव योर टाइम एज वेल ऑल्सो मनी। हाँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों लगा दिया है, एज वेल एज भी लगा दिया, ऑल्सो भी लगा दिया, कैसे सेट होगा जी? तो यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये एज वेल एज होगा, ऑल्सो वहां पे नहीं होगा। नोट विथ स्टैंडिंग दोबारा क्वेश्चन है, नोट विथ स्टैंडिंग वी वर ऑल बिजी दैट वीकेंड वी हैड टू कैंसल द आउटिंग। पहला है कैंसिल द आउटिंग, दूसरा वी हैड टू, तीसरा है नोट विथ स्टैंडिंग वी वर, और चौथा ऑल बिजी दैट वीकेंड। तीसरा ऑप्शन। तो क्या यहाँ पे होगा? नोट विथ स्टैंडिंग के जगह क्या हो जाएगा? बिकाउज ऑफ का प्रयोग होगा, ठीक है। नोट विथ स्टैंडिंग का मतलब था के बावजूद, अब बिकाउज ऑफ का मतलब था के कारण, तो वहां पे सेट ही होगा बिकाउज ऑफ, ठीक है। क्योंकि हम लोग सब बिजी थे, इसीलिए इस वीकेंड बिजी थे, इसीलिए हम लोग को आउटिंग कैंसिल करना पड़ा, इस तरह से मीनिंग था, ठीक है। यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से एज यू मीट हर। पहला ऑप्शन मीट हर, दूसरा एज यू, तीसरा अबाउट व्हाट यू से, और चौथा यू मस्ट बी केयरफुल एज यू। एज यू गजब जबरदस्त जवाब, एकदम खतरनाक, एकदम। एज के जगह वहां पे क्या हो जाएगा? वैन का प्रयोग होगा। जब वहां पे क्या होगा? वहां पे होगा जब तुम मीट करते हो, वैन का प्रयोग होगा। आप लोग खाली बताइए, दिक्कत क्या लगता है? आप लोग भी बोल सकते हो बीच में भी, यहाँ पे समझ में नहीं आया, भले आंसर जान रहे। वी मस्ट प्लान हाउ कैन वी कोप विथ द प्रेजेंट सिचुएशन। तो पहला ऑप्शन वी मस्ट प्लान, दूसरा प्रेजेंट सिचुएशन, तीसरा हाउ कैन वी, और चौथा है कोप विथ द। तीसरा हाउ कैन वी, क्या होगा वहां पे? हाउ कैन वी के जगह पे क्या होगा? हाउ वी कैन होगा, हाउ कैन वी नहीं होगा, क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन मार्क जो वाला होता है, दो सेंटेंस जब जोड़ता है ना, तो क्या बोलते हैं हम, जो है आपका वैन हाउ ये सब जितना भी होता है, इसको कहते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाला वर्ड जो होता है, वो लगने के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट लगता है, तो डायरेक्ट सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब लगेगा, जो भी एलोरी वर्ब, तो इसलिए ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जी, द पोस्टमैन ट्रेवल्ड बाय द साइकिल ऑफन वेडिंग थ्रू, एक नंबर है। दूसरा है स्वैम्प्स ऑफ पार्ड थ्रू जंगल्स, दूसरा है, तीसरा है इन ऑर्डर टू रीच द विलेजेज, तीसरा है, और चौथा नो एरर। क्या होगा? एक दो तीन चार, दो होगा। गजब गजब दिमाग लगा, तो गजब अंदाज है, तो दो होगा। क्यों होगा? क्योंकि सेंटेंस में ऑफ के जगह स्थान पर एंड का प्रयोग होगा, लेकिन क्योंकि दो नाउन तक क्लाउज जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीति इज एबसेंट फ्रॉम द मीटिंग ड्यू टू सी इज आउट ऑफ स्टेशन। पहला है प्रीति इज एबसेंट, दूसरा है ड्यू टू सी इज, और तीसरा है फ्रॉम द मीटिंग, और चौथा है आउट ऑफ स्टेशन। ड्यू टू सी इज,
तो बीच में रोकना चाहिए ना, तुम लोग बार बार बोलते हैं इतना क्यों पढ़वाते हो, जो टाइम टेकिंग लेता है भाई सब है। तो ड्यू टू सी होगा क्योंकि ड्यू टू के जगह पे बिकॉज का प्रयोग होगा, बिकॉज का प्रयोग होगा वहां पे से, ठीक है। प्रीति जो है मीटिंग से एब्सेंट है क्योंकि वह स्टेशन से बाहर है, इसलिए यहाँ पे लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सीधे बात करते, जोया वन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस अनलेस सी स्टम्बल्ड एंड फेल। पहला ऑप्शन जोया वन द फर्स्ट, दूसरा प्राइज इन द रेस, तीसरा अनलेस सी, और चौथा है स्टम्बल एंड फेल। अनलेस सी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अनलेस के जगह पे इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट का प्रयोग होगा, क्योंकि इसका मीनिंग होगा जोया फर्स्ट प्राइज रेस में जीता, इसके क्यों गिरने और मतलब गिरने के बावजूद भी उसने जीता, बावजूद भी का जरूरत क्या होगा, इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्या जी, कितना से स्टार्ट किए थे, 56 से, अभी है 3-4 क्वेश्चन। तो अभी है आपका मिस मार्पल इज नेदर ए गुड सिंगर और द गुड स्टेज आर्टिस्ट। तो पहला है स्टेज आर्टिस्ट, दूसरा मिस मार्पल इज, तीसरा नेदर ए गुड सिंगर, और चौथा और द गुड। और द गुड क्यों होता है, क्योंकि नेदर के साथ नोर का प्रयोग होता है, इधर के साथ और का प्रयोग होता है। मतलब यहाँ कहने का मतलब मिस मार्पल ना तो अच्छा सिंगर है और ना ही अच्छी ना अच्छा क्या बोलते हैं आर्टिस्ट है। आइए देख नेक्स्ट बात करते हैं, वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स इन केस दैट द प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। पहला इन केस दैट क्यों होगा, क्योंकि इन केस दैट के जगह पे बिकाउज का प्रयोग होगा, क्योंकि सेट करेगा वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल, मतलब हम लोग को बहुत सारा ऑर्डर डिक्लाइन करना पड़ा हो, मतलब क्या बोलते हैं उसको इनकार करना पड़ा, क्योंकि वहां होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो लेबर स्ट्राइक के कारण रोकना पड़ा, ये हमारा होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सी लॉस्ट ए बिग ऑर्डर फ्रॉम ए नॉन शोरूम इन केस ऑफ हर ऑन केयरलेसनेस। पहला सी लॉस्ट ए बिग ऑर्डर, दूसरा हर ऑन केयरलेसनेस, तीसरा फ्रॉम ए नॉन शोरूम, अच्छा इन केस ऑफ, चौथा इन केस ऑफ, वहां पे भी क्या होगा बिकाउज का प्रयोग होगा, तो इसलिए यहाँ पे भी बिकॉज का प्रयोग होता है, इसलिए गलत था। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, जिम साइक्लोन आरडीआई किल्ड एटलीस्ट 157 पीपल इन जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक अल्दो इट टोर अक्रॉस साउदर्न अफ्रीका। पहला अल्दो, दूसरा इट टोर अक्रॉस, तीसरा है एटलीस्ट 157 पीपल, और चौथा है साइक्लोन आरडीआई किल्ड। पाला क्योंकि वहां पे अल्दो के जगह पे बिकॉज या एज का प्रयोग होगा। आइए अभी बात करते हैं, सी गॉट टू क्विक प्रमोशंस इन ऑर्डर दैट सी हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। पहला है टू क्विक प्रमोशंस, दूसरा इन ऑर्डर दैट, तीसरा है सी गॉट गुड कम्युनिकेशन स्किल, और चौथा सी गॉट सेकंड वाला, सेकंड तो रोक देना चाहिए ना। तो इसका होगा इन ऑर्डर दैट के जगह पे बिकाउज का प्रयोग होगा, खाली बिकाउज ही बिकाउज लग रहा है, आप सेंटेंस सेट कीजिए पता चल जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम बम्बम, तो नो सूनर डिड द डार्क क्लाउड गेदर इन द स्काई व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वाज स्विच्ड ऑफ। पहला है नो सूनर डिड, दूसरा इन द डार्क क्लाउड गेदर, तीसरा इन द स्काई, चौथा व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी हैड स्विच्ड ऑफ, चौथा, क्योंकि नो सुनर के बाद देन का वहन का प्रयोग होता है, इसका असली के साथ वहन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहीं पे समाप्त करते हैं एरर का भी, तो उम्मीद करते हैं एरर भी आप लोग को धीरे 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 आपके दिमाग में जा रहा होगा, अब नहीं जा रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। थैंक यू।